तो हमारा घर रहो। हाँ। मैं कैसा ना रोवा थी मैं चाहिए।
बहुत दुख तकलीफ में आई बाबा। हाँ दीदी मत रो ना, चुप हो जाओ, मुझे रोना आ रहा है, चुप हो जाओ। तू ही हमार दुख हमार सह सको रोए आदमी है, तोर कहां चल गए ऊपर ही पर ओवर रहा आदमी, आके हाथ खाना था वहां के दुकान में कम ना पहुंचा मां। और बोलो दो चार बात और बोलो। हट गल तो हर आदमी है उमारा तो उन दुकान में कहन जाए मार के तू नहीं पहुंचा ना, हमारा पास फोन ना हमार बच जाए ना, फोन फेंक देने होते हमारे। हां ढेर मर रहा हो तोहर मरदा मौकवा, बहुत मन रहा, बहुत मान मन डोगनवा तादमिया के तू लाख दे देवा दा। तू लाख का? तू लाख सहारा मिली हमारे गुआ से बिया करबू नाग दे कटाऊँ के मिल जाये कर, लेकिन बढ़िया है बढ़िया बहनी बोली खाली बोले ला कुछ मारे ला वारे ला ना ना बोल पाऊ ना, लेकिन और काम कहीं नहीं ना झाड़ू पोछा कोई कर ली तो के ना मारी टेंशन मत ला, तोहरी पर खुंसाई तो बाबूजी के मारी। अरे सारे लेकिन हमारे भाषा समझ में आई तब ना रुपया करो सर पहलवान है तोरा बिया में कुकुर में तीन पीटा है। अरे सर मेरा रुआ छुट्टा है ले कैला सर। बोला बाबा का आशीर्वाद प्रसाद ले ले। मेरी दीदी का मजाक मत बनाओ, मेरी दीदी खाते पीते घर से है, कोई गरीब घर से नहीं है, उनका बॉडी नहीं रहेगा क्या? अरे कॉल रे क्यों पूछे वाना ना, ये मैं जब मैं यहाँ पर भी गान जाने तक के हूँ ना पूछे वाना। चुप हो जा दीदी, क्यों जब जब मैं यहाँ पर हमारे हाथ कर तक के हूँ ना ताकि हम लोग हैं ना, हम लोग शादी कराएंगे ना आपकी। चुप रहो मानो करो ये बुका। अब कौन हो रहा हमारी और तक है हमारे मन मन है ना जाइए ये महीने अमान का ताके के तीनों ठौरा, तू टेंशन मत ला। हम तक सर हम तक पागल एकदम बीच में नहीं क्या क्या बोलते सब हम तक सर ओके आपको क्या हो गया? रोइए देख के तकलीफ बहुत ला छीला। आप चुप रहो बाबूजी, आप चुप रहो दीदी जी, आप चुप रहो, हम आपका हल निकालेंगे ना बाबूजी, हैं हमारे बहुत अच्छे दिल के हैं, बात करो उन्हीं से, बात करो मैं निकालेंगे घुमा से कहला बहनी ना। हाँ। या सरकार तोरा बिया में तोरा तिल का रुके हाथ से पिटा नहीं कहीं गा नहीं खूब पिटा नहीं कुकुर मती। या भैया गुम भाई तू कहले हीरा हेतना मोट हीरोइन ना सोरा ना के बहिन जाने हम के देखिए हम तो हन अंगन के देखम हमर के तीनों के देखबू। हां मेरी बहन देखेंगे कावा छी हो भाई का देखबू तीनों को दुख सुख में हाथ बतावन।
तोरी काम जाने आम के ऊपर तक ले चढ़त छे का डरवावत हो का मन के डरवावत ना छोड़ दीदी छोड़ आप बहुत रो जाओ को पानी चाय पिलाऊ चलो जाने दो बहुत दुख ले जा पानी पिया के लेके आ जल्दी 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 क्या बाबूजी से बतिया ले दुख सुख चुप रहो दवाई खिया पति लो जी सार कन के मोट छोड़ो सपाटा करवाओ के ओके जिम करो के तै ती पति के बतावा को के समझी बोला तवा त को के बतावा हत मिगराट हो पति ना मारी ना साला तो के मारा वही लगती है सर पेचिस देखा था तो के मारी हूँ अरे बाप जी साहब लो क्या हुआ अरे बाप जी आगे रखा हो गया हमारे प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं आप सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हरकेश यादव पगला। आपने तमाम एल्बम में हमें प्यार और दुलार दिया। हूँ ड्राइवरवा हरामी चाहे भैया हमें चाहे जाए बहुत बहुत आप लोगों ने हमें प्यारा प्यारा दुलार अपना दिया है। हम इसके बहुत ही ऋणी हैं और इस समय आज हम चिरकुट बाबा के साथ हैं। ये इनके साथ हमारा ये कॉमेडी आपके समक्ष पेश होगा और आने वाली हमारी अगली कैसेट अगले महीने में आने वाली है जिसका नाम है हकर हकर हाफेला। आज हमारे साथ आर्यन भाई हैं और हमारी बेबी जी हैं। हमें बहुत प्यार दुलार मिलता है और चिरकुट बाबा के साथ तमाम कॉमेडी एल्बम में इनको आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं इनके साथ जुड़ गया और बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ मिल करके। और आर्यन जी आप भी कुछ कहें हमारे दर्शक बंधुओं को कुछ बताने के लिए। नमस्ते प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के पैर छू के प्रणाम और हमारे बड़ भैया प्रणाम करती भैया आपके भी हरकेश पगला आप लोग तो सब इनके बबक्का फुआ के नाम से जानते बाड़ी। हम का इनके बारे में बताई एगो कलाकार ना समझ ली कि हमने खातिर भगवान बाड़ हर मुसीबत में कहीं दुख सुख में कहीं अगर मजबूरी में कोई फंसेला अगर बस इनके जानकारी में जला तो तुरंत वहाँ पहुँचे ना भगवान ने इनके हमनी के पूजनी जा। बड़ भैया अगर आप आज हमनी के सामने बाड़ी तो हमनी के अपने बहुत अपने आप में गर्व फील करत आनी जा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते प्रणाम सब भोजपुरी समाज को पैर छू के प्रणाम। हम भी भक्तों को के बहुत ही बड़े फैन है हमारा बहुत ही इज्जत करते हैं। हम के घर में जाते तो हमको बहुत इज्जत से खिलाते पिलाते हमको कुछ चीज़ पे की दुख सुख हो या हमारा हर वक्त में चाहे रात के 2 बजे चाहे 3 बजे ये नहीं देखते कि क्या चीज़ का दिक्कत होगा हमको रास्ते में हमारा साथ देने के हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी तरफ से हम यही बोलना चाहते हैं कि हम इनके बहुत ज़्यादा बड़े फैन हैं। और हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था अगर हमारे घर पर कोई भी मेहमान आते हैं अगर वो झगड़ा लड़ाई करके कोई भी आते हैं तो उनको भड़काइए मत कि आप लोग को छुट्टी छुट्टी करवा देंगे। हम लोग देख लें उनको समझाइए बुझाइए और उन लोगों को एक साथ रह के फिर उन लोगों को एक जैसा बनाइए। आप लोग समझ रहे कृपया उन लोगों को भड़काइए मत और मतलब हमारे रिश्तेदार हमारे भगवान भगवान समान है उन लोगों को केहू भी दुख परेशानी में अगर आपके घरे आवत हो अगर ओकरी मन में कष्ट हो तो ओके ऐसा ना बात करी क्योंकि आप लोग की तरफ से कष्ट होके ओके समझाई पहले प्यार दुलार दें ताकि ओकर मन शांत होकर पहले फिर ओके समझा बुझा के ओकर परिवार का मैटर का बात बात सुन के ओके समझा बुझा के मिलौला का जितना तक प्रयास आप करें कि फिर परिवार एक हो जाए क्योंकि अलग ना करे के चाहिए। आपसे तो हर वीडियो में कहते हम कह चलिए नहीं जा कि जैसा कि मिलजुल के सबके रहे के चाहिए भैया केहू से झगड़ा लड़ाई ना करे के चाहिए कैसे कि जहाँ प्रेम है वहीं सब कुछ है। अगर झगड़ा लड़ाई करब तो कहीं का केहू ना रह जाए पूरा दुनिया दुश्मन हो जाए। जैसा कि किसी ने कहा है अतिथि देवो भव जो अतिथि मेहमान होते हैं देवता के समान होते हैं ऐसा हमारा परम कर्तव्य उनके प्रति बनना चाहिए। बहुत बहुत आप सभी लोगों को और हमारे गुरुआ कॉमेडी बीडी कॉमेडी में आपको रोज ऐसे हंसते साथे वीडियो देखने को मिलेंगे कॉमेडी वीडियो देखने को मिलेंगे शिक्षा वाली वीडियो देखने मिलेंगे। और हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।